अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उप निर्वाचन की मतगणना हुई संपन्न, वार्ड 10 में कांग्रेस तो वार्ड 12 में भाजपा जीती। नगरी निकायों के उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिले के नगर परिषद मंडलेश्वर में वार्ड 10 और 12 में पार्षद पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम दिव्या पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुई। नगर परिषद मंडलेश्वर में हुई मतगणना में पार्षद पदों के विजयी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वार्ड 10 के पार्षद पद के प्रत्याशी कांग्रेस की नफीसा रियाज कुरैशी और वार्ड 12 में भाजपा के गणेश गोयल विजयी रहे। वार्ड 10 में हुए उपनिर्वाचन में कुल 413 मत डाले गए थे। इनमें से कांग्रेस की नफीसा रियाज को कुल 230 मत तथा भाजपा की प्रत्याशी भारतीय ललित पाटीदार ने 173 वोट प्राप्त किए तथा 10 वोट नोटा पर डाले गए। कांग्रेस प्रत्याशी नफीसा रियाज कुरैशी निकटतम प्रत्याशी भारतीय ललित पाटीदार को 57 वोटों से पराजित कर विजयी रही। इसी प्रकार वार्ड 12 में हुए पार्षद पद के उप निर्वाचन में भाजपा प्रत्याशी गणेश गोयल कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र वासुरे को 127 मत से पराजित कर विजयी हुए। वार्ड 12 में मतों की कुल संख्या 388 रही। भाजपा प्रत्याशी गणेश गोयल को 229 मत तथा कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र वासुरे को 156 मत मिले। 4 वोट नोटा पर डाले गए। उप निर्वाचन में विजय हुए प्रत्याशियों में कांग्रेस की नफीसा रियाज कुरैशी और भाजपा के गणेश गोयल को रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सुश्री पटेल ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। डीजीएनआर न्यूज निमाड़ रिपोर्ट मंडलेश्वर।